फैक्ट नंबर वन, कई लोग वेट लॉस के चक्कर में शहद का इस्तेमाल करके तरह तरह के ड्रिंक्स बनाते हैं और समझते हैं कि शहद वेट लॉस करवाएगा, जो कि एक मिसकॉन्सेप्ट है। फैक्ट नंबर टू, अक्सर लोग कैलोरीज काटने के लिए चीनी की जगह शहद डालते हैं, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है क्योंकि चीनी में शहद के मुकाबले में कम कैलोरीज होती है। फैक्ट नंबर थ्री, जहाँ चीनी का एक टीस्पून 16 कैलोरीज देता है, वहीं शहद का एक टीस्पून 21 कैलोरीज देता है। फैक्ट नंबर फोर, कई लोग समझते हैं कि ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर के मुकाबले में कम कैलोरीज देती है, जो कि सही बात है, मगर इसका इस्तेमाल करके वेट लॉस का सोचना आपकी भूल है। फैक्ट नंबर फाइव, जहां 100 ग्राम व्हाइट शुगर 387 कैलोरीज देती है, वहीं 100 ग्राम ब्राउन शुगर 380 कैलोरीज देती है, और इसीलिए इन दोनों के कैलोरी कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। फैक्ट नंबर सिक्स, ब्राउन शुगर में व्हाइट शुगर के मुकाबले में ज्यादा कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम मौजूद होता है, मगर ये फर्क इतना कम है कि इससे आपको कोई इजाफी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता। फैक्ट नंबर सेवन, चाहे गुड़ हो, व्हाइट शुगर या फिर ब्राउन शुगर, सभी गन्ने से बनते हैं। फैक्ट नंबर एट, अगर गन्ने का जूस निकालकर बॉयल करके मजीद प्रोसेस से गुजारा जाए तो चीनी बनती है, और अगर इसको वैसे ही रहने दिया जाए तो गुड़ कहलाता है। फैक्ट नंबर नाइन, गुड़ को चीनी से बेहतर समझा जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल फॉर्म है, यानी कि इसमें मिलावट नहीं होती, जबकि चीनी को बनाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। फैक्ट नंबर टेन, एक दिन में 5 से 10% से ज्यादा कैलोरीज एडेड शुगर से हरगिज नहीं आनी चाहिए, यानी कि अगर आप 2000 कैलोरीज खाते हैं तो 100 से 200 कैलोरीज से ज्यादा एडेड शुगर से ना आए। इसमें चीनी, गुड़ समेत बिस्किट्स, डेजर्ट्स और ड्रिंक्स सभी से आने वाली कैलोरीज शामिल हैं, क्योंकि इन सब में एडेड शुगर्स मौजूद होते हैं।